किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान से। किसान भाइयों, मेरे पास कुछ किसान भाइयों के वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ क्वारी आई थी, कुछ ऑर्डर भी आए हैं, तो मैं एक बार फिर उसके बारे में आपको विस्तृत से बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ बनने वाला वर्मी कंपोस्ट साधारण वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो मैंने वर्मी कंपोस्ट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया है। मेरे यहाँ ये जो है ना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, मेरे वर्मी कंपोस्ट में आप देखिए ये फर्स्ट ग्रेड का वर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसमें ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मिट्टी रॉक फॉस्फेट है। ये रॉक फॉस्फेट जो है ना हमारे हिंदुस्तान में उदयपुर और सागर में मिलता है, जिसमें करीब 18-21% तक फॉस्फोरस होता है। और जब नाइट्रोजन में फॉस्फोरस की मात्रा प्रचुर हो जाती है तो उसको हम डाई बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक डाई का काम करता है और इसको हमने नाम दिया है, जो इसको पुकारते हैं प्रोम कहते हैं, फॉस्फोरिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर। अब इसको किस प्रकार बनाते हैं आप देखिए। इस बेड में मैंने नीचे, अगर आप देखेंगे, ये गोबर है और गोबर के नीचे मैंने दिखाया था, ये जो देखिए आपको जो है ना मेरे यहाँ ये कार्बन पदार्थ है, ये देखिए सड़ा के मैंने जो मक्का वाले बताए थे आपको वो डाले थे, तो इसमें लगभग 2 क्विंटल कार्बनिक पदार्थ डाले हुए हैं मैंने और 6 क्विंटल गोबर कम से कम, 8 और 2 क्विंटल जो है ना इसमें इस रेशो में मैं जो है ना ये रॉक फॉस्फेट, इसमें 2 क्विंटल रॉक फॉस्फेट का। ये जो रॉक फॉस्फेट है इसके ऊपर हम फिर एक गोबर की तह लगाएंगे और उसके बाद हम इस पर केचवे छोड़ देंगे। मेरे खाद में दूसरा अंतर क्या है कि मैं वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करता हूँ, कभी भी पानी नहीं छिड़कता। कृष्ण चंद्र जी की 2 वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं, अगर नहीं मिला तो मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। तो उसमें बताया गया कि अगर वेस्ट डिकम्पोजर आप डालकर गोबर में करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो कार्बन की मात्रा 40-45% तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक कोल्ड प्रोसेस है और कोल्ड प्रोसेस होने की वजह से ये जो वातावरण में कार्बन की मात्रा उसको फिक्स करता है इसके। तो इसमें आपको जो कृष्ण चंद्र जी की टेस्टिंग है, वीडियो है, आप देख सकते हैं, 13% आपको फॉस्फोरस मिलेगा इस प्रोम में और आपको 40-45% इसमें कार्बन पदार्थ मिलेंगे, क्योंकि मैं 20% कार्बन पदार्थ। मेरे पास एक मेरे मित्र हैं विशाल राणा जी, जो एयरटेल में इंजीनियर हैं, वो खेती करते हैं, उसकी शायद उन्होंने सेब लगाया हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे त्यागी जी क्या भाव होगा, मैंने कहा पहले आप इसको मंगा लो, मैं आज उनको डिलीवर उसकी बिल्टी दिलाने जाऊंगा। 3 क्विंटल का ऑर्डर आया है, 2 और किसानों ने भी मुझसे कहा था, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सबकी पूर्ति कर सकूं। अगर आपको चाहिए, मैं इसको अभी अपने लिए बनाता हूं, और अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 3 महीने पहले मुझे बताना पड़ेगा और मुझे इसका ऑर्डर देना पड़ेगा, तब मैं आपको उतना ही बनाकर दे चुका, क्योंकि मेरे पास कुल 6 बेड है और 2 से 3 बेड की मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं था कि आपको बता रहा हूँ। अब ये रॉक फॉस्फेट डाल दिया इसमें 2 क्विंटल, इसके ऊपर हम गोबर डाल देंगे। और एक दूसरा मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये बेड पूरा हो चुका, इसमें हमने गोबर डाल दिया। ये गोबर कम से कम 10 से 15 दिन पुराना, 15 दिन पुराना हो चुका, और इसमें अब कोई भी, ये देखिए मैं हाथ डाल रहा हूँ, इसमें कोई भी अब गर्मी नहीं है। हमें इसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि गोबर ठंडा हो, क्योंकि अगर गर्मी में हम डाल देंगे तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से हमारे केचवे सब मर जाते हैं। और मेरे पास केचवे बहुत हैं। ये देखिए इस, ये जो मेरा बेड है ये लगभग खाली होने वाला है, इसे मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये देखिए केचवे, ये देखिए केचवे कितने हैं। तो इनको मैं, केचुओं को, ये देखिए अब कल को इन्हें, केचुओं को मैं इसमें डलवा दूंगा। ये देखिए कितने, ये मैंने इसीलिए छोड़ा हुआ, ये सब केचवे इधर से ट्रांसफर हो जाएंगे, देखिए। तो इनको हम इस तरह से इस पर डाल देंगे और इस पर डालने के बाद ये इसको खाना शुरू कर देंगे और मेरा ये खेत खाद जो है ना 2 महीने में ये तैयार होगा। इस प्रकार ये मेरी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट, ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। कल मैं इसमें केचवे छोड़ दूंगा और इनको ढक देंगे हम इस पर। प्रचुर मात्रा में नमी है, अभी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे 30 दिन के बाद ऊपर से ये खाद बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हम उतारना शुरू कर देंगे और 60 दिन में ये खाद बनकर हमारा तैयार हो जाएगा।
आइए मैं अब आपको दिखाता हूं कि इसका जो फाइनल है वो क्या है, जो तैयार खाद है वो कैसा भाई लगता है। ये मेरा जो रेडी हो चुका है, जो तैयार है वो प्रोम है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम सुखा चुके हैं, इसमें बहुत कम नमी है, नमी रखनी पड़ती है। देखिए कितना अच्छा खाद है। इसको अब हम क्या करते हैं, ये एक झरना है मेरे पास में, मैं उसको छानता हूँ और छानने के बाद में ये जो है ये कट्टे मैंने तैयार कराए हैं अपने विशाल राणा जी के लिए। ये देखिए कितना अच्छा खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट से थोड़े इसको ध्यान से देखिए कि इसको थोड़ा सा भूरापन है इसमें, ये रॉक फॉस्फेट की वजह से, और बहुत ही परिष्कृत खाद है। तो अगर आपको किसी भाई को, मैं कम बनाता हूँ प्रोम को, कम बनाता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं रेडीमेड, मेरे पास इतना खाद नहीं है। अभी ये खाद है, होगा कोई 10-12 क्विंटल खाद होगा, तो अभी यही है मेरे पास एक्स्ट्रा उसके करने के लिए। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करता है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक मेहमान से, उनका नाम है श्री अंकित बिश्नोई, जो मुरादाबाद के पास के रहने वाले हैं और एक कंपनी में रोबोटिक इंजीनियर हैं। और वो आज खेती करने के लिए, उनका एक प्लान है, तो उनसे मिलवाता हूँ। अंकित जी ने मेरे साथ बहुत समय गुजारा है, करीब 2 घंटे हो गए यहाँ पे फोन पे। मैंने इनको सब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रिस्क फैक्टर हैं सब बताए हैं प्रोजेक्ट की वजह से। अब आप इनसे सुनिए कि जो इन्होंने क्या देखा और क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्या खराब लगा, क्या गलत लगा, वो सब बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंकित बिश्नोई है, मैं उत्तर प्रदेश में तहसील ठाकुरद्वारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ रोबोटिक इंजीनियर काम करता हूँ। यहाँ आकर के मैं डॉक्टर साहब से मिला, मेरी एक बार डॉक्टर साहब से फ़ोन पर बात हुई थी। डॉक्टर साहब से बेसिकली मैं मिला थ्रू यूट्यूब, डॉक्टर साहब का एक चैनल है अमेजिंग किसान के नाम से। और एक्चुअली जब मैं यहाँ मैंने मॉर्निंग में आया, मैंने विजिट करी, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब वाकई में एक अमेजिंग किसान है। नॉट ओनली अमेजिंग किसान, ये एक बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है। जिस तरीके से जैविक रूप से यहाँ पर डॉक्टर साहब एक गुआवा फार्मिंग, अमरूद की खेती कर रहे हैं, लेमन के ट्रीज लगाए हुए हैं, अब तो अजैविक भी हो, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डॉक्टर साहब ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं। तो वो देख करके काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, काफ़ी डिटेल में गुआवा फार्मिंग के बारे में बताया, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या टेक केयर करने वाली चीज़ें हैं, प्रूनिंग बेसिकली जो इसकी कटिंग करते हैं वो कैसे करनी चाहिए। तो अभी तो डॉक्टर साहब से आज मेरी पहली मुलाकात है और आशा करते हैं कि फ्यूचर में डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जुड़े रहेंगे। बेसिकली क्या है, मेरा यहाँ आने का पर्पस ये है कि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लगभग कई वर्षों से और कई पीढ़ियों से खेती होती चली आ रही है और एक ट्रेडिशनल, जिसको परंपरागत खेती कहते हैं, गन्ना धान गेहूँ की खेती हमारे यहाँ करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ लगभग पिछले 20-22 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट उसमें आया नहीं। वही एक गन्ना है, वही धान है, वही गेहूँ है, और उसकी प्राइसिंग भी मैं देखता हूँ तो वो एक बेसिकली एक स्टडी लेवल पे है, उसका कोई बहुत बड़ा ग्रोथ चार्ट हमें दिखाई नहीं दिया। तो सिंस आई एम अ टेक्निकल पर्सन, मैं एक टेक्निकल इंजीनियर हूँ और टेक्नोलॉजी की बात, चाहे वो हमारा ऑटोमेशन में हो, चाहे वो खेती में हो, वो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर साहब चीज़ों को टेक्निकल वे में समझा। क्या है, इस टाइप की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज़ के प्रति कि टेक्निकली हम इस चीज़ को कैसे करें। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ चांस फॉर दिस विजिट, थैंक यू। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक था कि मेरे पास कुछ लोगों ने कहा था मुझे इतना क्विंटल चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो उस टाइम मैंने कहा भाई अभी नहीं है मेरे पास। तो अगर वो देखते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम रेडीमेड इतना ही है और अब जो नेक्स्ट लोट मेरा बनेगा वो मेरा 15 अक्टूबर के बाद तक तैयार होगा। अगर आपको चाहिएगा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो मेरे से फ़ोन कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।